स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अपसेक में। और देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरे पोल से और लगभग 30 से 35 जो मैंने पूरे बड़े ग्रुप हैं WhatsApp के, उन सभी से पूरा पोल लगभग दो दिन से चल रहा है फ्रेंड्स। 30 को जो जब से आपका एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक का पोल चला है, और लगभग आज के पोल से जब से आपका जो पेपर अपलोड हुआ है तब से ज़्यादा मैक्सिमम 5000 से एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ने अपना पूरा रिजल्ट अपना बताया है जो पेपर मिलाने के बाद में है। तो पूरी एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो में, और फ्रेंड्स ऑथेंटिकेशन के साथ मैं पूरा बताऊंगा एग्जैक्टली ये कट ऑफ क्यों जाएगी और कैसे जा रही है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सारी एनालिसिस को एक बेहतर तरीके से यहां पे करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले मैं एग्ज़ाम का थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहूँगा। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में आपने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी होगी, और ढेर सारे न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने अपने ढेर सारे ग्रुप में आपको डाली भी थी। तो वहाँ से कुल मिला के निकल के आ रहा है कि लगभग 50 से 55 के बीच में परसेंटेज है, थोड़ा सा 1-2% आगे पीछे हो सकता है। लगभग 6 से 7 लोगों को बच्चों ने अपेयरेंस किया है और दिया एग्ज़ाम को, थोड़ा संख्या कम हो सकती है। लेकिन फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, 1 से 1.5 लाख ही स्टूडेंट जो होते हैं, 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट जो एक बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सारी चीज़ों को, और वही पूरे एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, और ढेर सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था कि सर क्या पेपर से कैंसिल होगा, जैसे कि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है आप देख भी सकते हो, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस टाइम ऊपर जा रही होगी लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक कुछ भी वो ऑथेंटिकेशन नहीं है न्यूज़पेपर की। एक और कटिंग मैंने बता दिया था, अपने ग्रुप में सेंड किया था कि एग्जाम सेंटर पर वो पकड़ा गया प्रशांत कुमार के नाम का था, उनका उन सबको अरेस्ट भी किया गया है। एग्जामिनर को भी अब जो वहाँ कहते हैं उनको ऊपर भी FIR वगैरह की है। तो सारी डिटेल्स है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही पॉसिबिलिटी है एक्शन लिए जाने के। मैंने ढेर सारे मेल किए थे और जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं यूट्यूबर्स हैं मैंने उनको वो भी किया था, ठीक है, तो उनकी तरफ से भी मेल किया गया। फ्रेंड्स हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि शायद अदर एग्जाम की तरह ये भी एग्जाम कोई कैंसिल होगा, ठीक है। तो चलते थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेशन ओवरव्यू कर लेते हैं। तो परीक्षा थोड़ी सी समीक्षा यहाँ पे हम करना चाहेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं। तो GS जैसा कि है फ्रेंड्स, ढेर सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि जो पेपर का वो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये मिले हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलो, तो जिसका किसी के पास एग्जाम में नहीं हुआ, किसी के पास आंसर नहीं था एग्जाम में करने को, तो ये सारे शिफ्ट में देखने को मिला। तो इस बेस पे देखते हुए जो भी आपके पोल हैं फिर पोल के अकॉर्डिंग मैंने सारी रिव्यू के एनालिसिस किया। यहाँ पे 30 से 32 क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रेंड्स। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स का इससे नीचे आएगा जो वीडियो को डिसलाइक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप कट ऑफ के दौड़ में आना होगा तो आप इसके बीच में करके आओगे, और ढेर सारे स्टूडेंट, एक नहीं ढेर सारे स्टूडेंट का इससे ऊपर भी है, 35, 35, 38, 38, 39 भी नंबर ढेर सारे स्टूडेंट्स का है। तो फ्रेंड्स मैंने उनके बीच का एक एवरेज लिया है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी इतना करके ही आएगा, ठीक है, और लगभग 18 से 19 क्वेश्चन को मैं यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं, तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। हिंदी के क्वेश्चन को मैं 18 से 22 के बीच में किया हूं, क्योंकि पेपर के पहले जब तक अपलोड नहीं हो तो लोगों का मानना था कि 23-24 तक क्वेश्चन सही हुए, लेकिन पेपर अपलोड होते हुए ढेर सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी बदले हैं कि सर मतलब स्टार्टिंग मुझे 23-24 लग रहा था, अब मेरे 19-20 आ रहे हैं। तो ये मैंने ओवरव्यू मतलब एवरेज वैल्यू रखी यहाँ पे 18 से 22 क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन आपके 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो शायद गलत भी था जिसका आंसर भी नहीं निकला एग्जाम में, और एक दो क्वेश्चन गलत भी हुए, तो मैं एवरेज लिया 18 से 20 क्वेश्चन। यहाँ से आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि मैं एक एग्जैक्टली वे में कर रहा हूँ सारी चीज़ें, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स क्यों मेरा कट ऑफ हर बार सही होता है और क्यों मेरी एनालिसिस हर बार सही होती है। रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स कि जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन थे, बैंकिंग टाइप एज अ वीडियो जैसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स का छूटा है, कुछ किसी तो 25 में 24 भी किए हैं, ढेर सारे स्टूडेंट हैं, एक नहीं ढेर सारे स्टूडेंट। मैं हमेशा ओवरव्यू फ्रेंड जब तक 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट का नहीं हो जाता अपना वीडियो नहीं बनाता कट ऑफ की, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट का यूट्यूबर का आपका कट ऑफ आ चुका, लेकिन गारंटी देता हूं फ्रेंड्स जितना मैं कट ऑफ बनाऊंगा उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही हो सकती है। यह रीजनिंग की थी। साइंस का मैं देख लेता हूं कि साइंस के ढेर सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हुए थे, तो मैं 15 से 18 के बीच में सिर्फ एवरेज क्वेश्चन को लिया हूं फ्रेंड्स। एक चीज के लिए मैं बता दूं, जैसा कि मैं अभी ने बोला
कि आखिर क्यों सही होती है, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर जाओगे, कटऑफ के लगभग 10 से 12 वीडियो अपलोड हैं जो कि आपके वीडियो एग्ज़ाम के, यूपी ट्रिपल एससी के और एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, ग्रुप डी, ग्रुप सी, यूपी पुलिस, इनफैक्ट ट्यूबवेल ऑपरेटर, जितने भी एग्ज़ाम के कटऑफ है सब कुछ आज भी अपलोड है। और आप उसे मिलान करके देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको एक या दो क्वेश्चन का डिफरेंट लगेगा और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इस वजह से क्योंकि वो मैक्सिमम रिव्यू भी आती है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ एनल्स की, डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जनरल के यहाँ पे कट ऑफ और ओबीसी के कट ऑफ में मैक्सिमम एक से दो क्वेश्चन का डिफरेंट होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, 100 से 105 क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे कम कट ऑफ जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप एग्जाम का कट ऑफ आएगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। मैं डेफिनेटली एकदम इन द सेंस वे में बोल रहा हूँ कि इससे कम कट ऑफ होने ही वाली नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस दो नंबर में लिया हूँ, क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। दो क्वेश्चन लेने का मतलब होगा, दो क्वेश्चन का लेने 4 से 5 नंबर का आपका, 4 नंबर का, तो सिर्फ 2 नंबर का मैं आगे पीछे डिफरेंट कर रहा हूँ। एससी फीमेल जो है आपका, एससी और फीमेल का, तो इनका लगभग कट ऑफ सेम ही होता है, इसलिए मैंने इनको कंबाइन किया है। अगर यूपी ट्रिपल सी के अदर एग्जाम को देखा जाए तो 95 से 100 के बीच में है इनका, प्लस माइनस 2 है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट पीएच एसटी और एक्स सर्विस मैन के लिए, क्योंकि इनके कट ऑफ में काफ़ी उछाल और काफ़ी गिरावट आती है, इसलिए प्लस माइनस 5 होगी। फ्रेंड्स आपके जितने भी मार्क्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, और ये भी व्यू दीजिएगा क्या मेरे द्वारा एनालिसिस की गई कट ऑफ सही है नहीं। और इनफैक्ट ये वीडियो कभी भी डिलीट नहीं होगा, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको यही कट ऑफ मिलेगी। थैंक यू सो मच। और जितने एक्सपीरियंस का इनके बीच में आ रहा है मार्क्स या इससे ज़्यादा आ रहा है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत करो दम भर के, ताकि आपका मेंस में भी सिलेक्शन हो, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू की जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, और मेंस के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।